फैक्ट्री के नाम से ये जाना जाता है। तो क्या कैसे तैयार किया जाए कि आगे जो आने वाले टाइम है उसमें आपको बच्चे को हेल्प। तक बुक का सवाल है, अब आगे आप सवाल कीजिएगा कौन सा बुक पढ़े कौन सा बुक नहीं पढ़े। तो 2023 में दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, तो क्या लगा है कितना अनुमानित आपको वैकेंसी लग रहा है? तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट दोस्तों। तो अभी हमारे साथ रोशन आनंद सर है जो की ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर है। सर का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद सर। आज के इस वीडियो में आप बच्चों को ये बताइए कि जो आने वाली जो वैकेंसी है दरोगा के और दरोगा फैक्ट्री के नाम से ये जाना जाता है, तो क्या कैसे तैयार किया जाए कि आगे जो आने वाले टाइम है उसमें आपको बच्चे को हेल्प मिल सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दरोगा परीक्षा है, दरोगा परीक्षा का जो सिलेबस है, सिलेबस को छात्र समझे और उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करे, और कोई एक बुक चूज करके जो है पढ़ाई करे तो निश्चित तौर पर लोग सफल हो सकते हैं। जहाँ तक बुक का सवाल है, अब आगे आप सवाल कीजिएगा कौन सा बुक पढ़े कौन सा बुक नहीं पढ़े। तो मार्केट के भीतर जो है बहुत सारा बुक है, लेकिन उसमें दृष्टिक्विक पब्लिकेशन का जो बुक है वो काफ़ी बेहतर बुक है। दृष्टिक्विक पब्लिकेशन और घटनाचक्र, ये दोनों को सम्मिश्रण करके जो है लोग पढ़े, और ये दो बुक को पढ़ करके जो है लोग सफल हो सकते हैं। जैसे दृष्टिक्विक बुक जो सब्जेक्टिव है उसका सब्जेक्टिव पढ़ ले और फिर घटनाचक्र का ऑब्जेक्टिव बना ले, अगर ऐसे काम करते हैं तो हमको लगता है जीएस का उसका तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और बिहार दरोगा का परीक्षा जीएस आधारित परीक्षा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा में रिजल्ट होगा। नए जो छात्र आते हैं खास करके पटना या फिर जो भी ऑनलाइन क्लास करते हैं उनका सर क्या तैयारी किया जाए? अगर नया छात्र एकदम बिल्कुल नया है, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन किया या फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, तो क्या ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आने से दरोगा का रिजल्ट का सफल है? एकदम क्यों नहीं, हम लोग बेसिक से उठाते हैं, ठीक है। एकदम जो न्यू कमर है जिनका बेस कमजोर है, निश्चित तौर पर संस्थान से जुड़ के सैकड़ों की संख्या में छात्र सफल हुए हैं, तो आप लोग भी सफल हो सकते हैं एकदम निश्चित तौर पे। सर 2023 में दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, तो क्या लग रहा है कितना अनुमानित आपको वैकेंसी लग रहा है? देखिए, आज के पेपर में दिया है कि कितना सीट खाली है, उसमें 23,000 का सीट खाली दिखा रहा है आज के हिंदुस्तान पेपर में। तो लेकिन उतना वैकेंसी तो नहीं ही देगा, एक साथ 2,000-2,500 के बीच में वैकेंसी आएगा, यानी 2,200-2,300 के आसपास जो वैकेंसी आना संभावित है। बहुत जल्दी कभी भी नोटिफिकेशन दिया जा सकता है, तो लोग तैयारी करें, वैकेंसी का इंतजार नहीं करें। वैकेंसी तो आएगा फिर चला जाएगा, सिलेक्शन जिसको लेना होगा वो तो एकदम सब चीज़ को छोड़ करके सब चीज़ को त्याग करके वो मेहनत कर रहा है, तो उन्हीं लोगों का रिजल्ट होगा। ये जो वैकेंसी खेल रहा है यूट्यूब पे, इसका रिजल्ट होने वाला नहीं। ऐसा मानना भी जाता है कि वैकेंसी आने पर बस आपको समझ लीजिए कि जो मेढक होता है बरसात की मेढक वो सिर्फ निकलते हैं, लेकिन आप वैकेंसी से अगर पहले से अगर तैयारी करते हैं तो आपका वैकेंसी में जो रिजल्ट है वो निश्चित है। और जो वैकेंसी आने वाली है सर, क्या कब तक लग रहा है आपको, कब तक आपको अनुमान की थी? देखिए, पेपर में दिया हुआ था कि दिसंबर से ही पुलिस विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत होगी, तो ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है कि हम कह सकते हैं कि आज आएगा कल आएगा परसों आएगा। ये BPSSC बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है, वो नोटिफिकेशन कभी भी जारी कर सकता है, लेकिन इतना विश्वास रखे 2024 का जो वर्ष है लोकसभा का चुनाव होना है, तो इसलिए 2023 में बिहार के भीतर बिहार दरोगा की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, कभी भी वैकेंसी दे सकता है। इसको लेकर के कुछ भी डेट बोलना जो है गलत होगा, क्योंकि हम बोर्ड के तो चेयरमैन नहीं है कि हम फलना डेट में हम दे रहे हैं, तो वैकेंसी कभी भी आ सकता है। छात्र तैयारी करें और फिर वैकेंसी आएगा तो फॉर्म भर के अपना किस्मत आजमाएंगे कि उन्होंने जो मेहनत किया है क्या हुआ नहीं हुआ। तो वैकेंसी का इंतजार नहीं करें, वैकेंसी कभी भी आ सकता है, इसके विषय में अस्पष्टता पूर्वक कुछ भी करना गलत होगा। बहुत सारे छात्र गरीब होते हैं जो कि ऑनलाइन क्लास करते हैं, या फिर उसको ऑनलाइन का भी उसके पास उतना पैसा नहीं रहता कि वो ऑनलाइन क्लास कर पाए, तो उनके लिए रोशन आनंद सर की तरफ से क्या उनको स्वागत किया जाता है? अब हमसे मिलने के बाद जो है हम उनके विषय में पहले पता करते हैं, हमसे अगर कोई छात्र मिलता है तो हम उनके विषय में पहले पता करते हैं, और पता करते हैं सच में गरीब है तो उनको बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अब इसका भी एक प्रोसेस है, हम कोई भी कॉल करके मैसेज करके कहेगा हमको ऐड कर दीजिए तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेरे पास क्लास करना है तो आपको अगर और आपको प्रॉब्लम है
अगर आप पैसा पे नहीं कर सकते हैं तो आप प्रॉपर वे में हमसे आकर के मिलिए। हम मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार को 12 से 1 के बीच में छात्र से ही मिलते हैं, उनकी समस्या को ही देखते हैं। अगर उनके साथ दिक्कत है, हमको लगता है कि नहीं सच में ये फी देने की स्थिति में नहीं है, तो हमको हम उनको बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में अलाउ कर देते हैं। ज्ञान बिंदु का ऑनलाइन क्लास भी चलता है, तो क्या सर ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट है? क्या बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन क्लास लेना चाहिए? देखिए, क्लास में कोई अंतर नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में कोई अंतर नहीं है। जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही चीज ऑनलाइन में भी रहता है। अब रहा सवाल कि फी में क्यों अंतर, जब क्लास में अंतर नहीं तो फी में क्यों अंतर? तो देखिए, फी में अंतर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो बच्चा ऑफलाइन आता है वो जगह छेड़ता है, जगह लेता है। ऑनलाइन बच्चा तो हमारा कोई जगह नहीं लेता है। ऑफलाइन बच्चा पर बिजली बिल खर्चा होता है, स्टाफ खर्चा होता है, तो इसलिए ऑफलाइन बच्चा से ज्यादा फी और ऑनलाइन बच्चा से कम फी, लेकिन पढ़ाई में कोई अंतर नहीं होता है दोनों से। नए छात्र को ऑनलाइन क्लास करना चाहिए या फिर ऑफलाइन क्लास करना चाहिए? अगर पटना में है तो उनको निश्चित तौर पर ऑफलाइन क्लास करना चाहिए। ऑफलाइन क्लास का एक कंसंट्रेशन पावर अलग होता है, ऑनलाइन की तुलना में ज़्यादा बेटर होता है। ऑफलाइन में थोड़ा रेगुलरिटी बना रहता है, ऑनलाइन में रेगुलरिटी नहीं बना रहता है। ऑनलाइन में होता है कि करना है कि नहीं करना है, नहीं किए, लेकिन ऑफलाइन में करना है मतलब करना है, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, मारते हैं। अगर आप नहीं आए हैं, हमको पता चल जाता है नहीं आए हैं, तो हम इस पर भी मारते हैं। तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है न्यू छात्रों के। बिहार दरोगा का सर आपके यहाँ न्यू बैच कब से आ रहा है और क्या उसका फी रखा गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए? देखिए, फी के विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं, फी तो आप ऑफिस से जाकर के पता कर लीजिएगा। और जहाँ तक बिहार दरोगा बैच का सवाल है, तो बिहार दरोगा का संस्थान में 3 बैच चल रहा है। एक बैच 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, फिर एक बैच 26 अगस्त को स्टार्ट हुआ, और एक बैच 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। यही 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, उसमें मात्र 2 क्लास हुआ है, आज उसका 3रा क्लास है। तो नया बैच 2 दिसंबर को प्रारंभ हुआ है। अब आगे देखते हैं, जो टाइम होगा उस टाइम को देखते हुए आगे अगला बैच देंगे। और फी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पटना में विद्यार्थी रहता है, एक माह में 1500 से 2000 रुपया देता है रूम ओनर को। हम लोग यहाँ पर मंथली 400 से 500 रुपया पर मंथ पे पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा फी नहीं है। और लोग कहता है हम गरीब है, गरीब कोई नहीं होता, समझे? तो ये सब लोग मन से गरीब होता है, समझ गए कि बनावटी गरीब होता है। जो लोग पटना में रह रहे हैं एक गाँव से आकर के, हमको लगता है कि वो गरीब नहीं है, ऑन एवरेज फैमिली से आते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको लग रहा है कि वो गरीब और वो मेरा फी नहीं दे सकता है, तो आप आकर के मिलिए, आपका स्वागत है। हम तो मिलने का दिन भी बता दिए, टाइम भी बता दिया, आप आइए मिलिए, हमको लगेगा आप गरीब हैं, हम आपको फ्री क्लास अलाउ कर देंगे। हम भी यहाँ पे लगभग 1.5 घंटा से थे, और तब तक आप ये बोल सकते कि सर स्टूडेंट का दरबार लगाते हैं, सर यहाँ बैठते हैं, 12 स्टूडेंट सब एक एक करके सर के पास आते हैं और अपना समस्या सुनाते हैं, उसका निदान करके जाते हैं। और सर ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, तो वो जो लाइब्रेरी है क्या सिर्फ वो बिहार दरोगा के बच्चों के लिए है, क्या सिर्फ वहाँ पे ज्ञान बिंदु के ही बच्चे जा सकते हैं या फिर अन्य छात्र भी जा सकते हैं? सर लाइब्रेरी के बारे में सब खुल बताइएगा। देखिए, अभी फिलहाल जो लाइब्रेरी है उसमें कोई भी जा सकता है, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना, तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है हम अपनी लाइब्रेरी कैपेसिटी के अनुसार जो है बच्चा को चूज करते हैं, उसी को बैठाते हैं, उसी को पढ़ाते हैं, उससे रिजल्ट लेते हैं। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई भी आकर के बैठ सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद हम अपने बच्चा को बैठाते हैं और उस पर काम करते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में इस समय अब तक 44 सीट है, और 44 सीट पे समझिए कि वो 44 सीट आगे आने वाले दिनों में दरोगा बनने वाले हैं, उस पर हम काम करते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद, अभी नोटिफिकेशन आएगा तो वैसे ही आपको लाइब्रेरी में आपको पूरा फुल रहता है, और आगे आने वाले दिनों में हम सर से भी बात करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम सर से बात करेंगे, उसके बाद क्या आगे क्या प्लान रहता है सर का वो भी आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर रोशन आनंद सर के लिए आपको कोई कमेंट हो या कोई क्वेरी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही हम अगली बार आएंगे आपका हम वो क्वेश्चन सर से हम जरूर पूछेंगे। मिलते हैं आप सभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।